कैसे हैं आप लोग? हेलो प्रो प्लेयर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद पोकेमॉन एवोल्यूशन गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज है मंडे, आज पोकेमॉन एवोल्यूशन में इवेंट आने वाले का दिन है। और गाइस, ओरिजिन तो नहीं है, इसका एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, शायद इस साल तो नहीं और देखने को मिलेगा, या फिर 1 जनवरी को देखने को मिल भी सकता है। और चलो उस बात को छोड़ते हैं, हम लोग डेली यहाँ पे इवेंट की तरफ चलते हैं। टास्क एक्सपर्ट यहाँ फिर से आ चुका है गाइस, बस सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड है पोकेमॉन पकड़ो 15 इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर, और आपको 5 दिनों तक लगातार एक रेफरल टिकट मिलता ही जाएगा। और यहाँ पे पॉपुलर इवेंट में सारे के सारे इवेंट फिर से बेकार आए हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉप अप एंड टॉप अप पे भरा हुआ, और कुछ यहाँ पे नहीं है। बस ये कितने नंबर, 3 नंबर, ये 4 और ये 5। चलो यहाँ पे हो गया, अभी फेस्टिवल एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे लकी टर्म लेंगे, लकी टर्म बाद में चेकआउट कर लेंगे। और यहाँ पे फेस्टिवल एक्सचेंज में देख सकते हैं, यहाँ पे विश एक्सचेंज फिर से आ चुका है। और यहाँ पे चलो नीचे देखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हफ्ते में से बसे 5 विश, फिर से 35 विश सेल हम लोग ले सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। चलो ले लेते हैं ये 5 यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, मतलब सभी जानते ही हो क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे बस और हो गया, और 4B 3B डिप्टो भी आया है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे बेस्ट स्टेज में देख सकते हो, यहाँ पे फाइटर इन्फरनेप, भाई इन्फरनेप जिसको भी पसंद है फाइटर इन्फरनेप भी यूज़ करो, क्योंकि इन्फरनेप से अच्छा इस गेम पे फाइटर इन्फरनेप भी है। और एमाटेरासु, भाई ये पोकेमॉन कैसा था ये मैं भूल गया, और अरे याद आ गया एंटा, ये देखिए याद आ गया। एमाटेरासु को इग्नोर करना, क्योंकि पोकेमॉन अच्छा है लेकिन कॉन्वर्टेड होने के बाद ही अच्छा है। 2 स्टार का लोगों भी तो उतना खास नहीं होगा। और मूनसेटर जेटा से एक ऑक्सीजन टाइप पोकेमॉन है, इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा तो जेटा नहीं है, उसको रिकमेंड मैं करूँगा। और सेविन से अच्छा तो स्काईपॉम सेविन ही है, मतलब ये उतना खास नहीं है। स्काईपॉम सेविन भाई कमाल का पोकेमॉन है, मतलब सभी अपने टीम में स्काई फॉर्म से में तो ज़रूर रखना। और यहाँ पे सोलगैलियो भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है क्या, चलो देख लेते हैं, इसके बारे में भूल गया। और ये उतना खास नहीं है लेकिन अच्छा ही है, एकदम बहुत ही बढ़िया बीस्ट पोकेमॉन नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा ही है, मीडियम से भी अच्छा, ठीक है, तो 90% अच्छा वैसे तो सही। और लूनाला यहाँ पे भी अच्छा है, ये भी 90% अच्छा, ये भी मतलब यूज़ कर ही सकते हो, सोलगैलियो भी और लूनाला भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे डिफेंस है पोकेमॉन हमारा डियानसाई भी है, या फिर आप लोग लुकिया भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बजलोल, ये बाक टाइम बहुत ही अच्छा पकवान है। और यहाँ पे ये भी गिनिश भी बहुत ही अच्छा पकवान है, लेकिन इन दोनों में से सबसे बढ़िया है फिडमोसा, जो भी आज का इवेंट बनाया है। मैं वैसे ही पहले कहता था कि बजलोल या फिर गिनिश पे तो कोई ले लो, लेकिन अभी तो ये आ गया है। और यहाँ पे हॉट पोकेमॉन एक्सचेंज में यहाँ पे ये वाले पोकेमॉन फिर से आ गया है यहाँ पे। और प्राइस देख सकते हैं नॉर्मल पोकेमॉन का 3 विश, भाई कौन खरीदेगा इसके, जैसे वैसे ही हम लोग 1 विश से मिल ही जाएगा मेरा नहीं वैसे। और यहाँ पे 1 डायमंड मॉल से भी देख सकते हो, अगर 1,500 डायमंड टॉपअप करोगे तभी आप लोग ये सब कुछ रिवॉर्ड्स 1 डायमंड में खरीद पाओगे, उससे पहले तो नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, मतलब बेकार है सभी के लिए तो नहीं है। और यहाँ पे ये वाला टॉपअप वाला रिवॉर्ड फिर से आ चुका, जो मुझे कभी भी नहीं मिला। और फाइनली यहाँ पे गाइस, इसके बाद देखो यहाँ पे फिडमोसा आ गया है गाइस, जिसको भी बग टाइप पोकेमॉन पसंद है ना, इस आँख बंद करके एकदम इसको ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्राइस देख सकते हो 120 विश, मतलब सॉरी 180 विश, और प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है, 120 विश होना चाहिए था। या फिर आप चाहो तो नेक्स्ट इवेंट जब आएगा तब तो इसका प्राइस कम हो ही जाएगा, तब भी ले सकते हो। बग टाइप पोकेमॉन में से एक कमाल का पोकेमॉन है, देख सकते हो सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट बग टाइप पोकेमॉन है फिडमोसा। इसका स्पेशलिस्ट देख सकते हो 780 एसपी अटैक टाइप, एसपी अटैक इसका 197 स्पीड, देखो इसका स्पीड एसपी अटैक के साथ स्पीड मैच करो, एचपी मैच करो तो मतलब एकदम बीस्ट पोकेमॉन, पूरा परफेक्ट पोकेमॉन है बैक टाइप में, बैक एंड फाइटिंग टाइप दोनों टाइप ही है, जिसको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। स्पीड 152 भाई, मतलब कमाल का स्पीड है, ठीक है, तो इसको मतलब ले ही सकते हो। इसका एबिलिटी वाला चलो देख लेते हैं, एबिलिटी क्या है यहाँ पे, 30-20% तो इंक्रीज करेगा बाघ टाइप और फायर टाइप मूव को, और डैमेज इंक्रीज हो जाएगा 30% से, एक्स्ट्रा डैमेज और भी इंक्रीज हो जाएगा। और एचपी जब भी हम किसी भी पोकेमॉन को नॉकआउट करेंगे, मतलब उसको मार देंगे इस पोकेमॉन से फेरोमोसा से, तो हमारा फेरोमोसा का एसपी अटैक +1 से इंक्रीज हो जाएगा, भाई कमाल का पोकेमॉन है।
और जब हमारे पोकेमोन का तब डैमेज 50% हो जाएगा, मतलब एचपी हाफ हो जाएगा फेरेमोन सकरा, तब उसका पावर 30% से और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और चलो यहाँ पे ये होगा यार, तो एक्सक्लूसिव मूव भी है और तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पे गियर है, गियर कहाँ चला गया, और ये रहा गियर भी है, और यहाँ पे मेगा स्टोन आप चाहो तो मेगा स्टोन भी ले सकते हो। और ये रहा गियर 30% तो इंक्रीज कर गए, हर एक गियर का तो सेम ही काम होता है, फाइटिंग एंड फ्लाइंग टाइम मूव को 30% इंक्रीज करना एंड देन फ्लाई। अगर ये वाला गियर हमारा फेरेमोन सा कैरी करता है तो फिर फ्लाइंग टाइप का डैमेज 50% से डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। भाई कमाल का है, फ्लाइंग टाइप का डैमेज मतलब जो भी फ्लाइंग टाइप अटैक हमारे ऊपर यूज़ होगा उसका पावर 50% घट जाएगा। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट दो मूव है, यहाँ पे व्हाइट रे तो इसका प्रायोरिटी +1 है, एंड इन ये वाला मूव प्रोटेक्शन को भी भेद कर सकता है, 50% डैमेज मतलब कम हो जाएगा लेकिन प्रोटेक्शन को भी भेद कर देगा। और ये वाला मूव पहले ही होगा, इसका फुल स्पीड के साथ ये वाला मूव होने वाला है। ठीक है, तो ये पे सक्सेसफुल यूज प्रायोरिटी +1 है, बहुत ही कमाल का मूव है। और फिर ये पे नेक्स्ट है वैक्यूम वेव अरुआ मूव, और ये वाला मूव लीक सीट जो ऐसे याद है वो ऐसा ही कुछ मूव शायद होने वाला है, मुझे इतना ही समझ में आया, मतलब ऐसा ही कुछ सीट्स फेंकने वाले हैं अपोनेंट के ऊपर एंड डैमेज तो होगा ही एंड अपोनेंट का एच पी घटता जाएगा ना, हमारा एच पी बढ़ता जाएगा 3 राउंड के लिए, ऐसा ही कुछ जितना समझ आया मैं उतना ही बोल रहा हूँ, ये वाला मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। और फिर यहाँ पे नीचे है फोर बी डिटो भी आ गया, ले चाहो तो ले सकते हो लेकिन प्राइस थोड़ा और कम कर देते तो भाई बहुत बढ़िया होगा था। और यहाँ पे इंग्लिश में स्विच काज भी आ गया है, और फिर यहाँ पे आ गया रेड ब्लैक म्यूटिक स्टोन रिपर, बिल्कुल म्यूटू को भी ले ही सकते हो यहाँ से अगर यूज़ करते हो तो, और यहाँ पे सारे के सारे स्टोन ले सकते हो अगर यूज़ करते हो तो। यहाँ पे जेरिनास भी है, पालकिया है, डियालका है, और बस यहाँ पे खत्म हो गया। चलो और कुछ बचा है क्या उस सेक्शन नीचे, नहीं और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। और चलिए सुप्रीम टोकन भी तो आया ना, सुप्रीम टोकन यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ आया है। और यहाँ पे ये वाला माउंट आ गया है, इसका नाम मैं भूल गया, ये वाला पोकेमोन का शायद सेलामेंस ऐसा ही कुछ नाम था शायद। और चलो क्या बच्चों में भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ नया हमें देखने को मिलता है, और लकी टर्मिनल भी चेक करना था ना, ओ भी भूल गया, चलो लोडिंग हो रहा है भाई। और यहाँ पे ये आ गया सोल गैली, अरे भाई ये तो आ ही गया है, मतलब अभी स्टेशन वाउचर में तो आ ही गया है, तो यहाँ पे फिर से आ गया है। और लकी टर्मिनल और यहाँ पे इस बार क्या है, चलो देख लेते हैं, जिराची आ गया है गाइस यहाँ पे इस बार। और नहीं यहाँ पे ये क्या है, अच्छा रून आया है, पर्पल रून एज भाई साहब, पर्पल रून मतलब पर्पल रून कौन चाहिए। और ये हम लोग विश एक्सचेंज, और नहीं विश एक्सचेंज नहीं, ये वाला जो टिकट है यहाँ से शायद उस एक्सचेंज से ही खरीदना पड़ेगा शायद, 300 डायमंड्स, अच्छा टॉप अप करने के बाद मिलेगा, इसके अलावा शायद इवेंट पे नहीं आए। और ये वाला इवेंट भाई ये पूरा बेकार कर दिया है, उस एक्सचेंज होते तो तब भी बहुत लोग करने का कोशिश करते, लेकिन भाई पर्पल रून है, पर्पल रून कौन किसको चाहिए, ऑरेंज रून सेट यहाँ पे एक है यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे सभी पर्पल रून है, तो ये सारे बेकार ही है और कुछ नहीं है शायद। और गाइस मेगा रन इवेंट भी चल रहा है, और यहाँ पे ये सारे पोकेमोन आप लोग खरीद लेना, जैसे कि ये वाला पोकेमोन तो मेरे पास नहीं है, और इसके 10 व्हिप्स भाई इसको तो नहीं खरीदने वाला, 10 व्हिप्स इसका प्राइस है, मुझे लगा था एक होगा, अगर 1 या 5 हो तभी खरीदना, बाकी यहाँ पर नहीं खरीदना, क्योंकि ये पोकेमोन होने से 30% से जो भी मतलब इंक्रीज होता है, जो भी हम लोगों को गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पे, मतलब ये स्टोन वगैरह, जैसे कि ये मेरे पास ये अगर इवॉल्व करके तो फिर और भी ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि ये इसका मेरे पास इवोल्यूशन वर्सन है इसलिए मुझे 35% ज़्यादा मिलेगा ये वाला स्टोन। और भाई इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, ये एक होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 10 हो गया, क्या पोकेमोन है बे, तो ये देखना पड़ेगा क्या पोका पोकेमोन कैसा है। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आए तो एक लाइक जरूर करके, और गाइस जाने से पहले चीज किसी ने भी अभी तक तो सब्सक्राइब बटन की तरफ देखा नहीं, छुआ नहीं, ऐसा मत किया करो मेरे भाई, उसके बाद देख के छू के रेड से ग्रे कलर कर दो। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।